हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आप तो आईटीआई ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप तो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति पर आ रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा नाम तुषार चौधरी है। आज मैं आप तो क्षेत्र मिति अंदर मेरा चैनल अब तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन का चैप्टर है। तो मेंसुरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो गणित वह शाखा जिसमें हम रेखाओं की लंबाई, तल का क्षेत्रफल, परिमाप, ठोस वस्तुएं, यह वस्तुएं तो आयतन याद करते हैं, यानी वह ब्रांच है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन एंड द एरिया ऑफ फ्लैट एंड पैरामीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। यह है तो जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का अपन लंबाई याद करते हैं या क्षेत्रफल या परिमाप याद करते हैं, यह पूरी चीज़ें क्षेत्र मिति के अंतर्गत आती है। तो हम क्षेत्र मिति आज उस टॉपिक तो स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एरिया क्षेत्र। तो एरिया क्या? जो वस्तु किसी स्थान जितना घेरता है या वो चौतन हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्द हो, चतुर्भुज हो या सर्कल हो, वो जितना भी एरिया घेरता है उसे हम क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र क्या होता है? तो समतल या कोई भी आकृति जितना भी एरिया घेरता है उसे अपन क्षेत्र कहते हैं। वह त्रिभुज हो, आयत हो, वर्द हो, चतुर्भुज हो या वृत्त हो या ट्रेंडल रेटेंडल स्क्वायर तो आदि ने एंड कोई भी वस्तु जितना एरिया घेरता है उसे हम क्षेत्र। और वर्ल्ड की यूनिट होती है इसको जब मेजर किया जाता है, यह दलत जब इसको मेजर किया जाता है तो वर्ल्ड किसी की पावर वर्ल्ड या पावर टू उसे अपन मेजर लेंथ इनटू लेंथ किया जाता है। माना कि तो स्क्वायर है इसका में निकालना तो यह कितना एरिया घेरता है टोटल उसे हम क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है अपना परिमाप। परी होता है, परी का अर्थ होता है चारों ओर और माप आने मापना। तो जब किसी भी आकृति का चारों ओर की लंबाई तो अपन नापते हैं, माना ए बी सी और डी, ए से चलना प्रारंभ किया, बी से सी, सी से डी और पाँच दस। तो हम मान लो ए से ए पे ही आना है तो पाँच दस पंद्रह बीस ने टोटल तीस डिस्टेंस होता है। तो यह परिमाप क्या होता है? किसी भी एरिया या आकृति का चारों ओर की दूरी या घेरा ते योग भाई डायमेंशन का योग तो हम परिमाप देते टोटल डायमेंशन तो अपन परिमाप कहते हैं। जो ए से बी और सी था अपन तो ए से चलता बी सी डी और फिर ए पे पहुँचे,
चारों ओर तीव्रता भी परिमाप होता है या दूरी होते है उसे हम परिमाप करते हैं। और तू समतल आकृति होता छप, मान लो अब निश्चित है आपका तू समतल आकृति होता, अपन तो क्षेत्रफल या परिमाप एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शो ऑफ फिगर फ्लैट फिगर। तो हमें हमने पहले त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज क्या होता है जितनी तीन भुजाएं होती है उस आकृति तो अपन त्रिभुज देते हैं, यानी तो इसी भी आकृति जितनी अनियमित यानी तीन भुजाएं और तीन टोन होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं या तीन टोन तो त्रिभुज उन तो इंटरनली टोन का योग रेशोस्य होता है। किसी भी आकृति थे इंटरनली टोनों का योग या सम इंटरनल एंगल का सम 180 होता है तो ऐसी आकृति तो हम त्रिभुज कहते हैं। किसी भी आकृति थे इंटरनली टोन होता होता है उसे त्रिभुज। हमें पता है त्रिभुज तीन ही दो भुजा होता यो तीसरी भुजा थे आदि तो होता तीन ही दो भुजा होता यो तीसरी भुजा थे आदि होता यह त्रिभुज। त्रिभुज तही प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तही प्रकार के। तो आज हम इस लेक्चर में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज जो तीन भुजा राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है ऐसा त्रिभुज या ऐसी तीन भुजाओं वाली आकृति जितना वन एंगल 90 डिग्री का हो उसे अपन राइट एंगल ट्रायंगल या समतोण त्रिभुज कहते हैं। ए तो 90 डिग्री का हो तो समतोण त्रिभुज कहते हैं। समतोण त्रिभुज या राइट एंगल त्रिभुज एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है हमने पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस है, बेस आप तो ए दे दिया, हाइट आप तो बी दे दिया है। तो फार्मूला यहाँ है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ए है हाइट बी है। तो यह फार्मूला आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट समतोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय भी यूज किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका रहेगा तर्ण तस्तु बराबर तर्ण सी है बराबर लंब तस्तु ए तस्तु प्लस बी तस्तु, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम परिमाप निकाल, मैंने बताया था किसी भी आकृति थे चारों ओर की दूरी तो परिमाप, मान लो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अने परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया। नेक्स्ट तो अंदर यह आप तो इम्पोर्टेंट लेते थे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सम द्विभाव त्रिभुज, सम द्विभाव या आयशो लेते त्रिभुज। यह त्रिभुज में तीन दो भुजाएं समान होती है तो ऐसे त्रिभुज तो सम द्विभाव त्रिभुज था। इसमें दे तो दो बी बी दोनों लेंथ समान है तो सम द्विभाव त्रिभुज कहते हैं। तो इतना क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल का फार्मूला रहता है ए अपॉन फोर अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्षेत्रफल बराबर ए बाय टू यानी बेस ए है तो ए था अपॉन में फोर अंडर वाले तरनी के अंदर फोर बी स्क्वायर यानी जो दो भुजा माइनस ए स्क्वायर इसका फार्मूला। अब परिमाप की बात करें तो ए
પ્લસ બી પ્લસ સી અને એ પ્લસ બી પ્લસ સી બી અને બી દોનો ભુજાય યા ફિર બોલી શકતે એ પ્લસ એ પ્લસ ટુ બી એ આપતા ये आपका परिमाप होता है। आप निश्चिता है आपका समतोन त्रिभुज या शंभव। तो ये शंभव त्रिभुज या समतोन त्रिभुज ये डेफिनेशन है कि इनके तीनों तोनों का मान सेम होता है। यानी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों तोनों का योग वन होता है। તો ડિવાઈડ કર લો તો સાત અને હર તોન તમામ સાત હોતા વન એંગલ તમામ સાત હોતા હોય તો પરિમાપ થી વાત કરે તો એ એ એ એ અને એ પ્લસ એ પ્લસ એ બરાબર થ્રી એ તો ત્યાં હોય ને થ્રી એ થ્રી એ હોતા પરિમાપ હોય ક્ષેત્રફળ બાદ તારે તો ક્ષેત્રફળ ઇષ્ટા હોતા તો અંડર રૂટ થ્રી બાય ફોર અંડર રૂટ થ્રી બાય ફોર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર અંડર રૂટ થ્રી બાય ફોર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર યા ફિર અંડર રૂટ થ્રી બાય ફોર તા માન હોતા ઝીરો પોઈન્ટ ફોર થ્રી થ્રી ત્યાં માન હોતા ઝીરો પોઈન્ટ ફોર થ્રી છે ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર यहाँ समतोन त्रिभुज जितनी तीनों भुजाओ तीनों एंगल समान है तो क्षेत्रफल और परिमाप ऐसे निकाला जाए। नेक्स्ट है आपका विषम भाव त्रिभुज। तो ये तोल नाम अनियमित त्रिभुज जो त्रिभुज जितनी तीनों भुजाए अलग अलग तो है उसे विषम भाव त्रिभुज कहा जाता है। तो आपके फिगर में वह त्रिभुज दिया हुआ है विषम भाव त्रिभुज ए बी सी तीनों भुजाएं अलग अलग है। अतः इसका एरिया निकालने थे दो फार्मूले और परिमाप निकालने था एक फार्मूला। परिमाप हो जाता ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी यह परिमाप हो जाए। अब हम जब भी विषम भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो इससे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप ते आपा में दो तार देंगे तो अर्ध परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप यह है जिसे यश दिनोते यशो दिया। अब परिमाप का फार्मूला है अंडर रूट एश एश माइनस ए एश माइनस बी और एश माइनस सी। परिमाप का फार्मूला है यश एश माइनस ए एश माइनस बी एश माइनस सी किया है। और दूसरा क्षेत्रफल था हाफ बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइट हाफ बेस अपॉन हाइट यह भी फार्मूला है। थैंक यू दोस्तों आदन यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो चतुर्भुज या चार भुजाओं वाले आकृति के बारे में हम बताएंगे।